श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ न हो और सभी के घर में आंगन में रौनकें लगी रहें और घर में संतान सुख की सभी को प्राप्ति हो, इस कामना के साथ आज हम बात करेंगे राहु पंचम भाव में। जब जन्मपत्री में राहु पंचम भाव में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि लाल किताब में व अन्य ज्योतिषीय शास्त्रों में क्या विचार किया गया है जब राहु पंचम भाव में होता है। तो सबसे पहले ध्यान दें, कोई भी उपाय अपनी तरफ से न करें, किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही उपाय करें, अथवा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। और विशेष ध्यान दें, कभी कभी ग्रह जो है एक भाव आगे का फल भी दे देता है और पिछले भाव का भी फल दे देता है, जिसका अनुमान कैलकुलेशन के साथ होता है, क्योंकि कभी कभी जातक का जन्म जन्म लग्न के बिल्कुल अंत में हो जाता है। जैसे जन्म लग्न जब 29 अंश के ऊपर होता है तो ऐसे में ग्रह जो हैं वो अपना भाव बदल लेते हैं, किंतु वैसे दिखाई नहीं देता, जिसका अनुमान आगे कुंडलियों से होता है। तो बात करते हैं पंचम भाव में राहु का प्रभाव कैसा होता है। ऐसे जातक की पत्नी कुछ क्रोधी स्वभाव की होती है, जिस कारण जातक के मन में सदा संताप रहता है और मन जो है वो अशांत रहता है। अधिकतर ऐसे जातक जो हैं वो नास्तिक होते हैं, धर्म कर्म को नहीं मानते, अपने रीति रिवाजों को नहीं मानते, जिस कारण इनको संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। संतान के प्रति इनके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। पहली संतान की प्राप्ति में इनको बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मंदा राहु यदि पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक संतानहीन भी हो सकता है। पंचम भाव का राहु पेट रोग भी देता है। ऐसे जातकों को पेट रोग की समस्या बहुत रहती है, कोई पेट का रोग इनको हो सकता है, वायु रोग से भी इनको परेशानी हो सकती है, अजीर्ण की समस्या ऐसे जातकों को भी बहुत होती है, अर्थात भूख न लगना, भोजन अच्छी तरह से न पचना, अजीर्ण की समस्या भी ऐसे जातकों को बहुत होती है। जिन जातकों की कुंडली में राहु पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक की स्त्री को पेट रोग की समस्या होती है, या स्त्री को बच्चादानी में भी कोई रोग हो सकता है, जिस कारण संतान सुख में कमी आती है। और ऐसा जातक यदि राहु बहुत मंदा हो और संतान की प्राप्ति न हो रही हो, तो यदि ऐसा जातक दूसरा विवाह भी कर ले तो भी उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। बिना उपाय के उपाय यदि कर लिया जाए तो जातक को सुख की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव में राहु होने पर जातक को धन हानि का सामना करना पड़ता है, बहुत से विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के मत से ऐसे जातक को सर्प शाप से संतान हानि होती है, और यदि कुंडली में राहु बहुत ज्यादा अशुभ हो तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि जातक का विवाह ही न हो, और यदि विवाह हो भी जाए तो स्त्री की सेहत ठीक नहीं रहती और संतान सुख में कमी आती है, और यदि संतान हो भी जाए तो संतान को कोई कष्ट हो जाता है। पंचम भाव में राहु वाले जातक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हुआ करते हैं, इनकी सोच बहुत ज्यादा तेज होती है, बुद्धि
बहुत तीक्ष्ण होती है। पंचम भाव में राहु मंदा हो तो ऐसे जातकों को राजदंड की संभावना भी रहती है, सरकार से इनको हानि होती है, किसी प्रकार का दंड भी इनको सरकार से भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे जातकों को नास्तिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। और अधिकतर देखा गया है कि ऐसे जातक अपने जो कुल के रीति रिवाज हैं उनको नहीं मानते और कभी कभी तो त्योहार आदि की खुशी भी नहीं मनाते, तो ये इनके लिए शुभ संकेत नहीं होते, जिससे इनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ज्यादा फल जो है, ज्यादा प्रभाव संतान के ऊपर होता है। आगे विचार करें पंचम भाव के राहु का कैसा कैसा फल कुंडली में रहता है। जो पंचम भाव में राहु होने पर सूर्य जो है उसका कुछ अच्छा फल जातक को मिलता है, ऐसा जातक सरकार के द्वारा धन लाभ प्राप्त करता है, सरकार से इनकी इनकम होती है और इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी होती है। और सूर्य का जो रेखा होती है हाथ में, हस्त रेखा में यदि बात करें, तो सूर्य की रेखा के पास राहु का जाल होगा और जिसे हम हस्त रेखा से भी देख सकते हैं कि राहु जो है जन्मपत्री में कौन से भाव का फल दे रहा है। यदि सूर्य की तरक्की रेखा के ऊपर जाल का निशान हो तो समझना चाहिए कि राहु पंचम भाव में फल दे रहा है। पंचम भाव में राहु होने पर गुरु का भी शुभ फल जातक को मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी, धन का फल भी उत्तम होगा यदि राहु मंदा न हो रहा हो। और सूर्य पिता को मदद करने वाला होगा, ऐसी स्थिति में राहु जो है सूर्य को मंदा नहीं करता और राज संबंध में भी बरकत होती है, जातक को सरकार से भी बहुत लाभ होता है और किसी सरकारी उच्च पद के ऊपर भी जातक जो है वो विराजमान होता है, उच्च पद की प्राप्ति भी जातक को होती है। चतुर्थ भाव में जैसे राहु फल देता है उसी प्रकार उससे कुछ भिन्न प्रभाव जो है पंचम भाव में रहता है, किंतु चतुर्थ भाव का साथ उत्तम रहता है, अर्थात जातक की माता जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। जब तक माता का आशीर्वाद जातक को मिलता रहेगा, जब तक माता का साथ जातक को मिलता रहेगा, तब तक धन और संतान दोनों में बरकत होती रहेगी। ऐसे जातक को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है यदि उपाय कर लिया जाए। यदि शनि और राहु मंदे हो तो संतान सुख में कमी हो सकती है। और आगे बात करें यदि कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में हो या सूर्य पहले भाव में, पंचम भाव में, ग्यारहवें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक सूफी ब्रह्म ज्ञानी होगा। और पंचम भाव में राहु के प्रभाव से ऐसा होता है कि संतान जो है जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होती है, या संतान होती ही नहीं, जातक की पत्नी को मिसकैरेज की समस्या हो जाती है, गर्भपात की समस्या हो जाती है, क्योंकि राहु जो है पंचम भाव में स्थित होकर जातक को संतान उत्पन्न होने ही नहीं देगा। और एक बार जो संतान उत्पन्न हो गई उसके ऊपर राहु का मंदा असर नहीं होगा, संतान हुई तो जीवित रहेगी, और किंतु राहु जो है विघ्नकारी जरूर होगा। ज्यादातर देखने में आया है जिनकी कुंडली में राहु पंचम भाव में होता है उनको, उनकी पत्नी को मिसकैरेज की समस्या ज्यादा रहती है। सूर्य चंद्र जो है दोनों की सहायता राहु करेगा, माता दीर्घ काल तक साथ न देगी। यदि माता का साथ जातक को लंबे समय तक प्राप्त हो जाए तो जातक सभी प्रकार के
सुख जो है वो प्राप्त करता है। अब पंचम भाव में राहु होने पर माता का साथ जो है जातक को कम मिलता है। हो सकता है जातक को अपनी माता से अलग रहना पड़े या दूर रहना पड़े। यदि माता का साथ जातक को मिलता रहे तो जातक का जीवन सुखी रहेगा। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि ज्यादा समय तक अपनी माता से दूर न रहें, माता पिता से दूर न रहें। सूर्य चंद्रमा यदि कुंडली में चौथे भाव में जा छठे भाव में हो, जा शनि मंगल पंचम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में संतान अवश्य होगी और जातक के भाई जो हैं योगी होंगे, राजा होंगे और वह ज्यादा संतानें जातक जो है प्राप्त करेगा। संभव है 5 संतानें भी जातक के हो जाएं। यदि इससे ज्यादा संतान हो तो ऐसी स्थिति में संतान की संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ही भाइयों की संख्या कम होती जाएगी। मंदा राहु जब पंचम भाव में हो, अशुभ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का ज्यादातर धन जो है रोगों के ऊपर खर्च होता है। कोई ना कोई रोग हो जाता है उसके ऊपर जातक का ज्यादातर धन जो है वो खर्च होता रहता है। मंदा राहु होने पर संतान सुख नहीं होगा और शनि कहीं भी हो तो भी जो राहु जो है वो संतान के लिए शुभ नहीं होगा, कष्टदायक होगा। पंचम भाव के मंदे राहु में जातक को यदि संतान होगी तो राहु जो है उस बच्चे को पेट में ही खत्म करता रहेगा, उसका नुकसान होता रहेगा और संतान सुख में इसी कारण पंचम भाव का राहु जो है बहुत मंदा फल देता है, क्योंकि गर्भ में ही संतान के ऊपर वो कष्ट पैदा कर देता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि जिनके भी पंचम भाव में राहु हो तो ऐसे जातकों को जब उनकी कोई संतान पैदा होने वाली हो तो लगातार चेकअप वगैरह करवाते रहना चाहिए, डॉक्टरों से सलाह लेते रहना चाहिए और दवाई आदि का सेवन डॉक्टरों की सलाह से अवश्य करते रहना चाहिए, अन्यथा कष्ट की संभावना रह सकती है। जब पंचम भाव में राहु हो और राहु की महादशा जब भी जातक पर आएगी तो उसे मानहानि का सामना करना पड़ेगा। राहु पंचम भाव में संतान हानि करता है और शनि नवम भाव में संतान की हानि करता है। अब यदि राहु पंचम भाव में हो और शनि भी नवम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, संतान सुख में कमी होगी। जा तो संतान होगी ही नहीं, यदि हो भी जाए तो 12 साल तक संतान के ऊपर कष्ट की संभावना रहेगी। जातक की पहली संतान यदि 21 वर्ष की आयु में हो तो ऐसा भी संभव है कि दूसरी संतान जो है 42 वर्ष की आयु में होगी। और जब भी दूसरी संतान होगी तो जो ससुर जी हैं उनके ऊपर भारी कष्ट आएगा। दादा पोते का झगड़ा होगा जब राहु पंचम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में दादा के रहते पोता न होगा और जब पोता होगा तो दादा नहीं होगा। अर्थात पंचम राहु जिनके हो जातकों के, जब उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है तो उनके पिता के ऊपर अर्थात बच्चे के दादा के ऊपर कोई कष्ट आ सकता है। यह योग जो है उस वर्ष बनेगा अर्थात जातक के पिता के ऊपर संतान के दादा के ऊपर उस वर्ष जो है कष्टदायक समय आएगा जब संतान की आयु 10 साल की होगी, 10.5 साल की होगी, या 21वें साल की होगी, या 42वें साल की जब आयु होगी तो उस समय दादा के ऊपर कष्ट आ सकता है। उसके बाद आगे विचार करते हैं, जब राहु कुंडली में पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में राहु जो है यदि शुभ हो तो जातक को संतान सुख भी उत्तम मिलेगा और पोतों का सुख भी जातक को प्राप्त होगा, किंतु मंदा होने पर
राहु पूरी तरह जातक के संतान सुख को खत्म कर देगा। यदि ऐसा जातक निसंतान होने पर दूसरे विवाह की भी सोचे तो भी दूसरे विवाह से संतान को तरसेगा। गुरु यदि कुंडली में राहु का साथी हो तो ऐसी स्थिति में जा गुरु के साथ राहु का टकराव हो तो जातक की संतान का स्वास्थ्य जो है जन्म से 12 वर्ष तक का जो है वो मंदा रहेगा। राहु पंचम भाव में होने पर दो विवाहों का भी योग जो है वो कुंडली में बनता है, दो विवाहों की संभावना भी रहेगी, दो विवाहों का योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि जातक दूसरा विवाह करता है तो भी उसको कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि दूसरा विवाह न करके पहली पत्नी के साथ ही फिर से फेरे ले लिए जाए, फिर से विवाह कर लिया जाए, तो जो राहु पंचम भाव का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा और दूसरे विवाह का जो योग है वो टल जाएगा। इसलिए विरह योग को टालने के लिए ऐसे जातकों को अपनी पत्नी के साथ पुनः विवाह करना चाहिए। ऐसे जातकों को पैतृक मकान की दहलीज के नीचे चांदी का पत्रा बिछाना चाहिए। जब ऐसे जातक मकान बनाएं तो शिलान्यास करते समय चांदी का पत्रा भी छोटा सा बीच में रखना चाहिए। और शुक्र को कायम करना जातक के लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में गौ सेवा करें या घर में गाय पालें तो भी राहु का मंदा असर जो है वो दूर हो जाएगा। घर में ऐसे जातकों को घर में किसी भी प्रकार का हाथी खिलौना घर में नहीं रखना चाहिए। मिट्टी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, कपड़े का बना हुआ, कांच का बना हुआ, लोहे का बना हुआ हाथी जो है जातक को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा कोई खिलौना घर में होगा तो जातक को उतना ही ज्यादा कष्ट की संभावना रहेगी। अतः ऐसे जातकों को घर में सिर्फ और सिर्फ चांदी का हाथी घर में रखना चाहिए जिसका वजन कम से कम 50 ग्राम हो या 100 ग्राम हो। 50 ग्राम से कम वजन का हाथी कम फायदा करेगा। और यदि राहु पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में राहु का जप करवाना चाहिए और जप करवाकर राहु का हवन करना भी बहुत शुभ रहेगा। तथा ऐसे में जातक को शनि के मंदे कामों से परहेज करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और परनारी से किसी प्रकार का संपर्क भी जातक को नहीं करना पड़ेगा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर बहुत मंदा असर आता है, संतान सुख में कमी होती है। अक्सर देखा गया है जब राहु पंचम भाव में हो तब जब संतान हो जाती है तो उसके बाद 12 वर्ष तक जातक की संतान और पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर मंदा असर भी होते हुए देखा गया है। यदि संतान बार बार मिसकैरेज होता हो, बार बार संतान यदि मरती हो तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि जब उसके संतान पैदा हो तो 21 दिन तक संतान का मुख न देखे तो ये कष्ट जो है वो टल जाएगा। प्रथम संतान होने के बाद दादा ससुर के ऊपर भारी कष्ट आ सकता है। और अक्सर यदि ये जातक पंचम राहु वाले जातक यदि किसी त्योहार को न मनाए, दिवाली दशहरा आदि त्योहार यदि ये न मनाए तो इन्हें संतान ही नहीं रहना पड़ता है, संतान सुख में इनको बहुत कमी आ जाती है। यदि कुंडली में राहु के साथ शनि भी हो तो ऐसी स्थिति में संतान की प्राप्ति में बहुत कष्टों का सामना जातक को करना पड़ता है। तो राहु पंचम के उपाय के रूप में विशेष रूप से चांदी का हाथी खिलौना जो है वो घर में रखना चाहिए, अर्थात चांदी का हाथी घर में रखना ऐसे जातकों के लिए शुभ रहेगा। और हाथी दांत की
कोई भी वस्तु घर में रखना अशुभ होगा, अमंगलकारी होगा और नीलम भी ऐसे जातकों के लिए अशुभ रहेगा। वर्षफल में जब भी राहु पांचवें घर में आएगा तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी को उधार नहीं देने चाहिए, पैसा उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके धन की हानि हो जाएगी, उसकी रकम जो है वो सारी डूब जाएगी। और जब भी पंचम भाव में वर्षफल में राहु आए, पंचम भाव का राहु जब भी पंचम भाव में वर्षफल में आए तो जातक को धन हानि की संभावना रहेगी, उसका धन कहीं फंस जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर की सोने की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति अपने घर में, अपने मंदिर में रखने से, मंदिर में अपने घर में स्थापित करने से जो गया धन है वो उनको फिर से प्राप्त हो जाएगा, अर्थात धन की हानि नहीं होगी। और ऐसे जातकों को अपनी पत्नी के साथ ही पुनः विवाह कर लेना चाहिए और दूसरा या तीसरा विवाह करने पर भी इनको कष्टों का सामना होता ही है। और शुक्र और राहु की युति यदि कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख में कमी आती है। और भाव नौ में यदि सूर्य या चंद्र हो तो ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा। इसलिए यदि राहु पंचम भाव में है, संतान के ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, तो प्रयास करें कि सूर्य और चंद्रमा को नवम भाव में स्थापित करें, क्योंकि लाल किताब के उपायों के अनुसार सूर्य और चंद्र को या किसी भी ग्रह को किसी भी भाव में स्थापित किया जा सकता है, जिसका उपाय आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। राहु यदि कुंडली में शनि के नवांश में न हो और शुभ ग्रह से देखा जाए तो ऐसे जातक को अनेक पुत्र, अनेक संतानें ऐसे जातकों को होती हैं। राहु यदि कुंडली में मंगल से दृष्ट हो, मंगल से देखा जाता हो, या मेष या वृश्चिक राशि में पंचम भाव में राहु हो तो ऐसी स्थिति में सर्प शाप से जातक को संतान नहीं होती, पूर्व जन्म के सर्पों के प्रति किए गए अपराध के कारण ऐसे जातक को संतान नहीं होती। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जातक को नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। यदि मेष या वृश्चिक राशि में राहु पंचम भाव में हो और बुध से युति करता हो, अर्थात पंचम भाव में मेष या वृश्चिक राशि में राहु और बुध की युति हो, या बुध ऐसे राहु को देख रहा हो, तो भी संतानहीनता का योग बनेगा, जिसका मुख्य कारण होगा सर्प शाप से संतान हानि। तो ऐसी स्थिति में नाग पूजा अवश्य करनी चाहिए, नाग देवता को प्रसन्न करना चाहिए, नाग पंचमी के दिन सर्प पूजन अवश्य करना चाहिए। और पंचम भाव से हम विद्या का भी विचार करते हैं, शिक्षा का विचार भी करते हैं। जब राहु पंचम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक किसी अन्य कार्य में कुशल होता है, लेकिन उसको विद्या जो है किसी और काम की मिल जाती है, अर्थात जातक के विद्या काम नहीं आती। तो कहने का भाव ये है कि राहु जब पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक जो हैं वकील बनने की क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। ऐसे जातक वकालत करते हैं, वकील बनते हैं और जज भी बनते हुए देखे गए हैं, क्योंकि इनमें नैसर्गिक रूप से ऐसे गुण होते हैं कि ये वकालत आदि कार्य में, अदालती कार्य में इनको ज्यादा बुद्धि लगती है और ज्यादा इस बात की समझ होती है, किंतु इनको शिक्षा जो है इंजीनियरिंग आदि की मिल जाती है, अर्थात गलत शिक्षा मिलने के कारण जो जीवन में सफल नहीं होते। भाव ये है कि जिनका पंचम भाव में राहु हो ऐसे जातकों को अदालत संबंधी नौकरी करनी चाहिए, वकालत करनी चाहिए, जिससे इनको जीवन में सफलता मिलती है। और यदि ऐसे जातक अपने रस्म रिवाजों को नहीं मानते तो इनको संतानहीन भी होना पड़ता है। तो ये है राहु के पंचम भाव का प्रभाव। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। सूर्य नारायण भगवान आप सब पर कृपा करें और केतु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सरस्वती माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। जय श्री राम।